बिस्मिल्लाह रहमान, दिस इज़ किचन गार्डनिंग पेट, आई एम मोहम्मद आबिद। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लगाने जाने वाले हैं जी नर्सरी शिमला मिर्च की, ठीक है, किचन गार्डनिंग के लिए। तो इसको करते हैं जी ओपन, ठीक है। तो आपने जो इसका मीडिया तैयार करना है वो फील्ड की मिट्टी आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें डाल लें, और उसके ऊपर 2 से 2.5 इंच जो है वो बाल डाल लेनी है आपने, ठीक है, और बाल में ये ग्रो करना है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये सीड हैं जी हमारे पास, ये वाले, ठीक है, ये निकले हैं इनमें से। तो आपने करना ऐसे है, ठीक है, इसके ऊपर लगा लेनी है आपने लाइनें, ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये लाइनें ऐसे आपने लगा लेनी है बाल डालने के बाद। और इसमें हमने रखना है 1 बाय 1 सीड इसका, इंशाल्लाह। और लाइनें लगाने के बाद आपने करना ऐसे है, ये अकेला अकेला सीड जो है इसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। ये देखें, ये अकेला सीड है, ये वाला ये आपने ऐसे रखना है अकेला अकेला, ठीक है। तो जी ये हमने इसके ऊपर सीड जो अकेला अकेला है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये हमने रख लिया। और करना ऐसे है आपने, ये बाल हमारे पास जो अवेलेबल है इसको आपने उठाना है ऐसे हाथ से, ठीक है, और हल्की हल्की इसके ऊपर जो है वो डाल देनी है। ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं डालनी, क्योंकि वो फिर जो सीड है वो अच्छी तरह उगेगा नहीं। ये चीज़ ये आपने हल्की हल्की इसके ऊपर डाल देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमने लगा दिए, और इसको देखते हैं जी कितने बाद देर बाद ये ग्रो करता है। और ये 30 से 35 दिन के दौरानिए में ये अवेलेबल होती हो जाती है आगे शिफ्टिंग के लिए, ठीक है, मैच्योर हो जाती है। तो जी इसके बाद आपने करना ऐसे है, इसको लगा देना पानी, ठीक है, पानी लगाते हैं शावर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये हल्का हल्का आपने लगा देना है जी पानी, ये पानी हमने लगा दिया है जी हल्का हल्का, ठीक है। कुछ मिट्टी पहले भी गीली है बारिश के पानी की वजह से, तो ये हमने लगा दिया है। तो हमने जी शिमला, बंद गोभी और फूल गोभी, बंद गोभी, और इसके अलावा जी बैंगन का सीड जो हमने लगा दिए हैं नर्सरी तैयार करने के लिए, ठीक है। हम देखते हैं कितनी देर में ये ग्रो होती है, और वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। और इनकी लगाने की जो डिटेल है वो मैंने एक वीडियो मुकम्मल बना रखी है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं जल्दी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो तब के लिए जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में लाजमी याद रखें, फ़ी अमानिल्लाह।